नमस्कार। कल हमने समास पहला देखा ग्रंथारंभ, अभी दूसरा समास है गणेश स्तवन। आपको पता है कि किसी भी कार्य करने से पहले हम लोग गणेश स्तवन करते हैं, जिसके कारण सारे विघ्न हमारे मार्ग से निकल जाए और हमारा मार्ग सुखल सुपर और संपन्न हो, सुकल सकल संपन्न परिपूर्ण होके हमारा कार्य अच्छा हो जाए। ठीक है, सो श्री राम ओम नमो जी गणे समास दूसरा गणेश द्वार। श्री राम ओम नमो जी गणे नायका सर्व सिद्धि फलदायका अज्ञान भ्रांति छेदका बोध रूपा, देन श्री राम कहते हैं। लेकिन हम लोग ऐसा ही सीधा सीधा पढ़ने वाले हैं जिसके कारण समय बचे। ओम नमो जी गण नायका, सारे गणों का नायक जो है, सर्व सिद्धि का हमारी परिपूर्ण करने वाला, अज्ञान भ्रांति छेदका हमारा अज्ञान को छेदने वाला, और जो हमें बोधपूर्ण करता है, ज्ञान देता है, हमें आत्मशांति देता है, ऐसे गणेश को मैं वंदन करता हूँ। ऐसे समर्थ रामदास कह रहे हैं। माझे अंतरी भरावे, मेरे अंदर आप आके आप स्थान लीजिए, वास्तव्य कीजिए, सर्व का वास्तव्य करावे। मज वाघ सुनया सदा कृपा कटाक्ष करूँ, मैं बोल नहीं पाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊंगा, शून्य वाक शून्य हूँ मैं, अज्ञानी आदमी बोलने का सीधा इनका मतलब। लेकिन आपके कृपा कटाक्ष से मैं, मुझे जो कहना है वो मैं अच्छे शब्द में अच्छी तरीके से बोल पाऊंगा। जो युगों युगों तक पढ़ा जाएगा और उसको अच्छा समझा जाएगा और लोग समझ के खुद को भी संसार मार्ग के परे ले जा सकेंगे। तुझे कृपेचे नहीं पड़े, वितुअती भ्रांति च पड़े आणि विश्व भक्षक काय दास्यत्व कीजिए। आपके केवल कृपा कटाक्ष से मेरी भ्रांति दूर हो जाती है और दुनिया का जो काल यमराज है वो भी आपका दास बन के रह जाएगा, रहता है। यदा कृपेची नीज उड़ी, विघ्ने कापुती बापुड़ी, होनी जाती देश धरी नाम मात्रे। आपका नाम लेते ही और मेरे पास में आके ही, या मेरे कार्य में आपने आ भी गए, तो सारे विघ्न ऐसे कांपने लगेंगे और या तो छोड़ के चले जाएंगे या तो रहेंगे तो नाम मात्र रहेंगे, और फिर उनका गणेश बोल दे तो वो भाग जाएंगे। ओके, नामे विघ्नहर, और इसलिए आपका नाम विघ्नहर है, अम्मा अनाथन से महार। और हम जो अनाथ लोग हैं जिनका कोई नहीं है, माता पिता है, सब कुछ है, लेकिन आखिर में एक जगह समझता है कि इस दुनिया में किसी का कोई नहीं। माता पिता चले जाने के बाद कौन रहेगा? फिर तो भगवान आप ही है कि नहीं? मैं चला जाने के बाद और मेरी पत्नी चले जाने के बाद हमारे बच्चों का कौन रहेगा? फिर उनको फिर से भगवान है, बड़े हो जाएंगे, कुछ भी हो जाएंगे। फिर हमारे माता पिता के माता पिता गुजरने के बाद भी उनको वही लगा था कि हम तो अनाथ हो गए। तो वैसे कभी कभी लगता है आदमी को दूर जाने के बाद कि हम तो अनाथ हो चुके हैं, लेकिन उन अनाथ लोगों के भी आप माहिर हो, यानी जैसे लड़की अपने माहिर मीन्स माता जी के घर में आते हैं तो उनको अच्छा लगता है, वैसे हमें आपको प्रणाम करने के बाद, आपका ध्यान करने के बाद, आपका स्तवन करने के बाद, आपका स्तवन करने करने के बाद लगता है। और आदि करुणी यानी हरिहर यानी शिव और विष्णु भी आपको हरदम अमरता से वंदन करते। तो मैं एक छोटा सा आदमी क्या हूँ, ऐसे समर्थ रामदास कह रहे हैं। बंधुनिया मंगल निधि, आप तो मंगल निधि हो, कार्यकर्ता सब सारे काम आपको सिद्धि में लेके जाते। आघात अर्थाए उपाधि बाधु सके ना, किसी ने आघात किया, किसी ने बीच में कंकट डाले, किसी ने आपको उपाधि दिया, फालतू काम करने वाला आदमी या अच्छा या बुरा कुछ भी करने वाला, वो हमें बाधा नहीं कर सकते। हम अपने मार्ग से चले जाएंगे, चलते रहेंगे चलते रहेंगे, चाहे कोई घाव मारे कोई, चाहे कोई बीच में कुछ भी डाले, चाहे हमें कुछ भी बोले। जया अठवीता ध्यान वाटे परम समाधान, जिसको हम लोग जिसका स्मरण करते ही हमें समाधान होता है। नेत्री रिघोनिया मन पांगुए सरंगे, नेत्र ऐसे जम जाते हैं, मन थिजुन जाते, मीन्स मन शांत हो जाता है और हम लोग समाधि में चले जाते हैं, भगवान से एक रूप हो जाते हैं। युज युंजति योगा मीन्स भगवान से एक रूप होना, भक्ति यानी जो विभक्त नहीं, भगवान से जो
दूर नहीं भगवान से, एक रुपये उसको भक्त कहते वैसे हो जाते हैं। सगुण रूपाची ठेव महाटेव महालावण्य लाघव नृत्य करिता सकल देव तटस्थ होती। इतना सुंदर है इनका रूप कि ये नृत्य करते हैं तो सारे भगवान उनको देखते ही वो अपना देहभान भूल जाते, तटस्थ हो जाते। सर्व का मदोन्मत्त सदा आनंद डुल्लता, भगवान के वो परम ज्ञान में वो नाच रहे हैं और उसके कारण उनका चेहरा प्रसन्न दिख रहा है और सारे लोग भी प्रसन्न हो रहे हैं। भव्य रूप वितंड, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मुझे सफ़ेद गणेश जी में पांचवी में था मुझे दिखे थे, वो तांडव नृत्य कर रहे थे। अब देखिए कि हम हमारा देहभान भूल सकते हैं तो भगवान तो इतने शुद्ध रहे तो वो तो देहभान भूलेंगे गणेश जी का वो नृत्य देख के। ओके, भव्य रूप वितंड भीमवूर्ति महाराज बहुत बड़े हैं, उनका विस्तीर्ण मस्तक उदंड सिंदूर जल, उनका मस्तक भी बहुत बड़ा है और पूरे देह के ऊपर सिंदूर लगाया हुआ है। नाना सुगंध परिमय थवथवा गति गंडस्थ है, बहुत सारे सुगंध आ रहे हैं उनके गंडस्थल से, वो मद आ रहा है जिस कारण भृंगराज तेथ्यालिश पदकुड़े झुमकाए, वो घूं घूं करके वो सारे भृंगराज आ रहे हैं। मुरडियो शुंडा दंड सरड़े, उनकी सुंड ऐसे वैसे तो सीधी है लेकिन ऐसे घुमा के रखी है, लंबित अधर तीक्ष्ण गड़े क्षणा मंदस्त। और क्या बोले कि उनके जो सूंड है वो है सीधी हो है और वो हमें मार्ग दिखा रही है, उनके आँख है वो जो ऐसे बार बार ऐसे उनकी पंखुड़ियाँ ऐसे ऐसे कर रही है, उनके कान ऐसे फटफट कर रहे हैं अपने हाथी के जैसे, ये सारी चीज़ें हो रही है। मुरडियो सुंदरानंद सरे शोभे अभिनव आ गए आवाळे लंबित अधर तीक्ष्ण गए क्षणशा मंदस्त, ही 14 विद्यांचा गोसावी। ऐसे जो गणेश जी हैं वो हमारे यहाँ पे 14 कला 64 विद्या कहा जाती है, तो उन सब के मालिक हैं और एक्सपर्ट भी हैं। हरसो लोचन ते हिलावी लवित फड़कावी फड़े फड़े कर रहा था, और जो अभी मैंने बताया कि उनके काने से हिल रहे फड़फड़ आवाज आ रहा है। रत्न खचित मुकुटी झाल नाना सुरंग फाकते कीड़ा कुंडले तड़पते नीला वरी जड़िले झगमती। अभी इसके बाद वो सारा उनका रत्न खचित मुकुट है, उनके उस पर जो माला है, कुंडले है जिसके ऊपर सोने का कुंडले है, बाद में वो जो कड़ा पहना है वो सारी चीज़ें चमक रही है, ये कह रहे हैं वो। दंत शूर सद्दट उनका दांत बहुत सफ़ेद है, रत्न खचित हेमकट्ट, हेमकट्ट यानी हेम मीन्स सोना, तो उनका सोने का पट्टा बांधा हुआ है। तया तड़पति पत्र नीटा तड़पति लग लोगो, बाद में वो ये कड़ा जो पहना वो उसके ऊपर पत्तियाँ लगी अभी मैंने बताया, और वो छोटी छोटी है और वो बहुत चमक रही है। लवथोधिर मल पे दोंद वेष्टित कट्ट नागबंध, उनके कमर के ऊपर जो नाग बांधा हुआ है वो तो वो छोटे छोटे आँखों से देख रहा है और वो फुत फुत वाज वाजती फणत्कार है, शुद्ध घंटी का मंद मतलब वाजती फणत्कार है। बाद में उन्होंने पंजन पहने हुए है पैरों में और उसका झुनझुन आवाज भी आ रहा है, वो सारी चीज़ें बता रहे। चतुर्भुज लंबोदर कासे पिताम्बर ये है फड़के दोनिता फणिवर धुधु कराटा की, और वो साफ धुधु कर रहा है। ओके, डोलवी मस्त के जीवा लाड़ी घालू ने बैसला वेटाड़ी उभरों ने नाभे कमल टकमका हुआ है, उनके नाभे कमल के ऊपर वो नाग फुतफुतकार कर रहे हैं और वो ऐसे देख रहा है। अने इसमें बहुत सारे अर्थ हैं क्योंकि वो अपना वैशिला जो रूप है वो भूल के, वो भी जैसे गणेश जी अपने आत्मनाद में जो ये हो कर रहे डोल रहे हैं चपलता से, वैसे नाग भी ऐसे अपने नाद में है और वो नाग अपने नाद में। नाना अति कुसुम माला व्याल पर्यंत धुड़ती गा रत्नजीर्त हृदय कमा वरी पदक शोभे,
अब बहुत सारे यानी उन्होंने माला पहन के रखी है, उसका सुगंध आ रहा है। बाद में रत्न जी हृदय हृदय के ऊपर एक पदक है, जैसे कौस्तुभ मणि विष्णु जी के हृदय के ऊपर रहता है। शोभे फरशाणी कमर, उनके चार हाथ है, उनके चार में से एक हाथ में फरश यानी परशु है, दूसरे हाथ में कमल है, तीसरे हाथ में अंकुश है और चौथे हाथ में मोदक है। तो वो खुद को भी कंट्रोल में रहते हैं अंकुश से, और जैसे हमने पहले भी देखा कि फरश से वो हर चीज़ को निरक्षीर बुद्धि से देखते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। मोदक को, मोदक यानी क्या कि सारे शास्त्रों का जो सार है, वो जो मोदक है वो इतना मीठे से मीठा है, और वो उनको हरदम वो ब्रह्मरस पान करे तो उनको उसके ऊपर उसके बिना वो रह नहीं पाए स्ट्रेट अवे। नट नाट्य का कुसरे, उनको सारे नट नाट्य 14 कला 64 विद्या हमने बोला है, नाना छंदे नृत्य करिए, टा मृदंग भंगरोरे उपांग हुंकारे, और हूं करके आवाज करके वो सारे टा मृदंग ढम 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 बजा के मृदंग बजा रहे, ये बजा रहे, बजा रहे, वो डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं। स्थिरता ना एक क्षण, एक क्षण भी वो स्थिर नहीं है। चपाई चपाई विषय अग्रगण, बिल्कुल चपलाई में एजिलिटी में सबसे नंबर वन है पूरी दुनिया में। साजिरी मूर्ति सुलक्षण लावण कर, बहुत ही सुंदर है। मूर्ति में दो चीज कह रहे थे, एक ब्रुण में मूर्ति मिट्टी की मूर्ति पत्थर की मूर्ति है सारे इससे, और एक चिन्ह में मूर्ति मैंने प्रत्यक्ष देखा जैसे आपको पता है। तो ये लावण मूर्ति वो बहुत ही सुंदर है। झुंझुना वाजती नुपुरे, जो अपने नुपुरे वो झुनझुन आवाज कर रहे हैं, वहाँ की बुभरती गजरे घाघरिया सहित मनोहरे पावले ध्वनि, दोनों पैर से वो नाच रहे और उनकी जो नुपुर है वो सारी चीज़ें वो सुंदर आवाज कर रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। ईश्वर सभी से आली शोभा, गणेश जी आने के कारण सारे भगवान की जो सभा है उसको उनके कारण शोभा आती है। दिव्यांबरांची फाकली प्रभा, उनके तेज के कारण सारा तेजोमय हो गया है। साहित्य विश्व सुलभा अष्टनायक होती है कि उनके कारण साहित्य को शोभा आती है और साहित्य में सामर्थ्य आता है। और रिद्धि सिद्धि अष्टो सिद्धि दासी जो है वो उनकी वो नायक है कि जब चाहे जहाँ सबकी सारी इच्छा पूर्ति कर सके, जहाँ चाहे वो जा सकते हैं, अपना विशाल या छोटा बना सकते हैं अपना स्वरूप, ये सारी जो अष्ट सिद्धियाँ वो। लेकिन कई बार सारे देव सारे बड़े बड़े जो सामर्थ्यवान लोग हैं अपने अष्ट सिद्धि यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये उनको ये जो है विश्व ही एक मिराकल लगता है। ओके सो ऐसा सर्वांग सुंदर है सकल विद्वान सागो ऐसी माजी नमस्कार साष्टांग, ऐसा जो जो बहुत सुंदर है सारे विद्वान विद्या का जो मालिक है, ऐसे गणेश जी को मैं नमस्कार करता हूँ साष्टांग प्रणाम करके। ध्यान गणेशाचे वर्णिता, ध्यान में हमें जो भगवान गणेश जी दिखते हैं सगुण रूप दिखते हैं, उनका हम लोग कितना भी वर्णन किया तो भी हमारी बुद्धि उतनी नहीं कि हम उसका पूरा वर्णन कर सके, किसी भी भगवान का हम वर्णन नहीं कर सकते। ऐसे प्राणी मंदमती ते ही गणेश चिंतावा, तो मैं तो एक यकश्चित प्राणी हूँ लेकिन मैंने गणेश की वंदन किया है, तो जे मूर्ख व लक्षण जे का हिणव हिण तीची होती दक्ष प्रवण सर्व विषय, तो जो मूर्ख लोग रहते हैं हीन लोग रहते हैं वो भी दक्ष हो जाते हैं, वो भी सर्व विषय हर विषय में वो स्किलफुल नॉलेजेबल और अच्छे बन जाते हैं, वो अभी मूर्ख नहीं रहते। कितने यानी नम्रता देखो कि आपके एक कटाक्ष से भगवान आपकी कृपा से मेरा ये जो काम है वो अच्छा हो जाएगा, ऐसे इसलिए मैं आपकी प्रार्थना कर रहा हूँ। ऐसा जो परमार समर्थ पूर्ण करी मनोरथ सप्रिचित भजन स्वार्थ कल्लो चंडी विनायक, कि जो चंडी का लड़का है, जो पार्वती का दुर्गा माता का लड़का है, उसकी मैं वंदना करने के बाद मेरे भजन का जो स्वार्थ है सारी दुनिया का भला हो, ये ग्रंथ में से वो मेरी मनोकामना समर्थ रामदास की परिपूर्ण हो जाएगी, ऐसा ऐसी मेरी प्रार्थना है। और ये गुरु शिष्य का संवाद है पहले का, तो उनके शिष्यों का भी भला हो, उन्होंने जिनको बताओ उनका भला हो, नेक्स्ट जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन यानी अगली पीढ़ी का भी भला होते जाएगा, ऐसा मेरा मानना है, और इसलिए आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। आगे बोल रहे
ऐसा गणेश मंगलमूर्ति तो मैं स्तविला यथामती वांछा धुरुनी चित्ती परमार्थाची कि मैंने परमार्थ भगवान से एक रूप होना, युजुंजति योगा, ऐसे भगवान से एक रूप होने का यही परमार्थ है। विभक्त नसाय तरी भक्त बनाए, मैं भगवान से एक रूप रह के मैं उससे विभक्त नहीं होगा, टूटूंगा नहीं, यही मेरी परमार्थ की इच्छा है। तो मंगल मूर्ति जो है, मंगल की जो खान है यानी खदान है, जो खुद मंगल है, वो मेरा, मैं उसकी अपने बुद्धि के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार मैं प्रार्थना करूँ, वो मेरी इच्छा परिपूर्ण करेगा। समर्थ रामदास कह रहे इति श्री दास बोधे गुरु शिष्य संवादे गणेश स्तवन नाम समास दूसरा। धन्यवाद।